Hey everyone, welcome back to another video of counselling. तो आज का जो टॉपिक है हमारे काउंसलिंग का, हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके अंदर कि जो सीट मैट्रिक्स है आईपीयू काउंसलिंग का या फिर आपके एमसीसी की काउंसलिंग का दिल्ली कोटा के लिए, वो कितना है, कितनी कितनी सीट किस कॉलेज में है। क्योंकि आईपीयू ने नोटिस निकाला था अपना 23 को, कि उसमें बताया था आईपीयू ने कि इस बार वो बीएसए, एनडीएमसी, आरएमएल एंड ऑल टोटल कितनी सीटें हैं एसीएमएस की। तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कितनी सीटें हैं ओवरऑल, तो फिर मैं वो बताऊंगा कि किस परसेंटेज में ओबीसी की सीटें, जनरल की सीटें रह सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको फ़ायदा होगा वीडियो देखने से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ACMS की, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि दिल्ली कैंट में है, ठीक है। उसमें क्या है, एमबीबीएस के लिए तो टोटल सीटें 100 हैं, और पूरी 100 सीटों की काउंसलिंग आपकी क्या कौन कराता है, आईपीयू कराता है स्टेट कोटा से, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसीज की कोई भी सीट्स नहीं है। दो तरह का कोटा होता है, 85% होता है स्टेट कोटा और 15% होता है आपका एमसीसी का कोटा, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कोटे की सीट, बल्कि इसमें ओनली दिल्ली कोटा है, तो इसके अंदर कौन कराता है 100 सीटों की काउंसलिंग, कौन कराता है इसको, आईपीयू कराता है। नेक्स्ट है बीएसए हॉस्पिटल, आप जानते हैं डॉक्टर बीएसए बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल जो आपका रोहिणी में है। तो यहाँ पर ऐसी 125 सीटें हैं, उसमें से 106 सीट की काउंसलिंग आईपीयू कराता है खुद, और बची हुई 19 सीट्स की काउंसलिंग एआईक्यू से होती है 15%, जो कि बाहर वाले लोगों के लिए, जो दिल्ली के नहीं है उनके लिए होती है। 106 पूरे दिल्ली लोगों के लिए, तो इसके अंदर चांसेस अच्छे हो जाते हैं लोगों के, वो सीट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका मलकागंज दिल्ली में स्थित है, जो कि इसमें 60 सीट्स हैं, जिसमें 51 सीट्स की काउंसलिंग आईपीयू कराता है, और 9 सीट्स की काउंसलिंग क्या होती है इसमें, थ्रू एमसीसी होती है, ठीक है। इसमें सीटें कम है, पर लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बाद वीएमएमसी कॉलेज है, जिसकी आपकी 85% सीट की काउंसलिंग जो होती है एमसीसी के थ्रू ही होती है, 50% वीएमसीसी के थ्रू होती है। जिसके बाद दिल्ली कोटा है, वो 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकता है, 170 में से 85% सीटों के लिए एलिजिबल हो सकता है, लगभग लगभग अराउंड 150 सीट्स के लिए अगर देखा जाए तो। और ऑलमोस्ट जो सीट्स हैं, बेसिकली एमसीसी के लिए जो सीट्स हैं उसके लिए, जो 15% सीट है सीट के लिए, उसके लिए आपको दिल्ली का होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आरएमएल की जो सीट्स हैं, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल, जो कि आपका बंगला साहिब के पास है क्रांट प्लेस, तो इसमें क्या 100 सीट्स हैं टोटल। ओवरऑल 100 सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो ओनली एमसीसी कराता है, चाहे वो स्टेट कोटा हो चाहे वो आपका ऑल इंडिया कोटा हो, ठीक है, एमसीसी की काउंसलिंग। अब बात करते हैं इसमें जो आईपीयू काउंसलिंग है, जो आपकी मेन, जिसने आपने फॉर्म भरा है, तो उसमें क्या कौन कौन से कॉलेज नहीं है, वीएमएमसी और आरएमएल नहीं है, बाकी 3 कॉलेज हैं, जो कि एनडीएमसी, बीएससी एंड एसीएमएस, इसकी काउंसलिंग कौन कराता है आपका, आईपीयू खुद कराता है दिल्ली की तरफ से, ठीक है। और बेसिकली बात करें जो एमसीसी कराता है, वो इनकी 15% सीट्स पर कराता है, 15% सीट्स पर। तो अब बात करते हैं इसका क्या हिसाब रह सकता है। ऐसे मान लेते हैं कि बीएससी के अंदर 106 सीट हैं, तो अप्रॉक्स जनरल ओबीसी कितनी सीटें रह सकती हैं, तो जनरल के 40% सीट्स होती हैं, जनरल की अप्रॉक्स 30-35% सीट होती हैं ओबीसी की, एंड 20-25% सीट्स होती हैं एससी एसटी कोटा की। तो बेसिकली इसमें जो जनरल की सीट्स पाएंगी 38 समथिंग पाएंगी इसके अंदर, और जो ओबीसी की सीट 40 के आसपास होती हैं, और एसटी एससी और डिफेंस की सीटें जो होती हैं 30 के आसपास होती हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये मिला के आपका जो पूरा होता है, ये आपका 106 सीटों का मैट्रिक्स हो जाता है। ऐसी एनडीएमसी के लिए, एनडीएमसी में जनरल की 15-16 सीटें होती हैं अप्रॉक्स, और ओबीसी के लिए भी 17 सीट्स होती हैं अप्रॉक्स। और देखा जाए तो आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, उसके लिए भी 10-12 सीटें होती हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें होती हैं। अब मेन आता है यहाँ पर कि लोग पूछते हैं कि यार बीएससी के लिए ईडब्ल्यूएस की सीटें कितनी होती हैं, तो बीएससी में ईडब्ल्यूएस सीटें 12+ होती हैं अप्रॉक्स, और जो एनडीएमसी के अंदर होती हैं वो 5 होती हैं, ठीक है, 10 और 5, 15, 17 सीटें होती हैं, ओवरऑल 17 सीटें होती हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ओवरऑल जनरल के लिए सीटें होती हैं 50+ होती हैं, ओबीसी के लिए सीटें 50+ होती हैं। तो मतलब यहाँ पर अच्छे चांस बन जाते हैं, क्योंकि मोस्टली एलएचएमसी मिल चुका होता है गर्ल्स को, जो जिनकी रैंक 5,000, 6,000, 7,000 जनरल की होती है। इस बार तो आप देख रहे हैं 5,000 पे भी मतलब चांसेस बने एलएचएमसी के। तो मतलब ओवरऑल आपको जो है ना कट ऑफ जो जाने वाली है, थोड़ी सी कमी जाने वाली है, उनको बताया था पिछली वीडियोज़ में भी। तो यही हमारा एक फ़ायदा रहता है कि थ्रू आईपीयू कॉलेजेस की हमारी जो कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है एज़ कम्पेयर टू, पर हाँ राउंड वन में जो कट ऑफ जाने वाली है डेट इज़ वेरी हाई रॉकेटिंग, पहले आपको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, अगर रिजल्ट्स कुछ हेयर एंड देयर भी जाता है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा शॉक नहीं होना है रिजल्ट्स को लेकर, ठीक है। आईपीयू का राउंड वन इज़ टोटली वेस्ट, ठीक है। तो बाकी ये सीट मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया, तो मतलब काफ़ी सीट्स हैं यार, डोंट टेक टू मच स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह मतलब बिल्कुल भी, बहुत सारी सीट्स हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करते रहना यार। ऐसी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, हमें भी सोचना पड़ता है बहुत कुछ, ठीक है, एनालिसिस करनी पड़ती है। अभी मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस रैंक पर क्या क्या मिल सकता है, अभी आने वाली है मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।